मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का एक परिवार वाटरफॉल में डूबने से लापता हुई अपनी मासूम बच्ची की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। घटना 4 महीने पहले की है। बच्ची के परिजन कभी सूरजपुर पुलिस के दफ्तर तो कभी बलरामपुर पुलिस के अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। परिजनों को बच्ची के जिंदा होने की उम्मीद है, यही कारण है कि वो सभी से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न तो पुलिस उनकी मदद कर रही है और न ही चिपकाए गए पोस्टर से कोई आस जाग रही है। इतना ही नहीं, लोग झूठे फोन करके उनसे मजाक भी अब कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं मिला है, अगर वो उसको चोट भी लगा रहता या वो नहीं भी रहती किसी तरह वहाँ से जाल में कहीं वो किनारे लगी होती, यानी जब नहीं है तो सकते वहाँ के लोग उसको जो रह रहे हैं आदिवासी हैं सारे लोग निकाल लिए हैं उसको वहाँ से। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर है तक मुझे देखने में नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि मेरी बच्ची जीवित है। बच्ची को लगातार खोजने का प्रयास उस समय किया गया था और अभी हम जो एक डीसीबी शाखा से भी जो हमारे रिकॉर्ड है ऑल ओवर इंडिया भी, तो हमारे जो सीमावर्ती जो स्टेट है आपके एमपी है और तो उस पर भी हमने